सीनियर सिटीजन्स जनरली स्ट्रगल करते हैं एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए, क्योंकि कई प्लान्स में बहुत सारी कैपिंग्स होती हैं, को पेमेंट्स होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के वजह से प्लान मिल नहीं पाता, एज की वजह से, बिकॉज कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से प्लान नहीं मिल पाता। तो वही सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके साथ आज 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके पास सीनियर सिटीजन प्लान्स अवेलेबल हैं, उनको कंपेयर करूंगी आपके लिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, तो फिर आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए अप्रोप्रिएट कौन सा है, आपको क्या फीचर चाहिए अपनी पॉलिसी में, अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। सो मेरा नाम है गुरलीन कौर चिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड लास्ट 15 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का डिसीजन ईजी और हैप्पी डिसीजन बन पाए। हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब, आई प्रॉमिस आपको हर वीक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सीनियर सिटीजन प्लान्स अवेलेबल इन द मार्केट। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी कंपनीज का कंपैरिजन मैं कर रही हूँ। मैक्स पूपा का सीनियर फर्स्ट प्लान है, गोल्ड एंड प्लैटिनम वेरिएंट्स, देन स्टार का रेड कार्पेट प्लान है, एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सीनियर प्लान है, लिगियर केयर सीनियर प्लान है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का एक्टिव केयर प्लान है। तो ये 5 कंपनीज को मैं कंपेयर करूंगी, सारे पैरामीटर्स पे हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे आपके लिए बेस्ट कौन सा है। सो पहले बात करेंगे एंट्री एज। सो एंट्री एज मैक्स पूपा सीनियर फर्स्ट में 61-75 है, गोल्ड प्लैटिनम दोनों वेरियंट्स में, स्टार रेड कार्पेट में 60-75 है, रेलिगर केयर सीनियर में 61 इज द एंट्री एज और मैक्सिमम कोई एज नहीं है, मतलब मैक्सिमम आप किसी भी एज पे पॉलिसी एमए एंटर कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। एचडीएफसी अर्गो हेल्थ में भी यही है, 61 मिनिमम एंट्री एज है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का जो एक्टिव केयर प्लान है, मिनिमम एंट्री एज इज 55 एंड मैक्सिमम इज 80, तो ये भी विंडो काफी बड़ी विंडो है। नेक्स्ट बात करेंगे सम इंश्योर्ड की, कि हमें इंश्योरेंस कितना मिल सकता है इन पॉलिसीज में। मैक्स पूपा सीनियर फर्स्ट गोल्ड में ऑप्शन है 5 लाख और 10 लाख का, मैक्स पूपा सीनियर फर्स्ट प्लैटिनम में ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एंड 25 लाख। स्टार के रेड कार्पेट में ऑप्शन है 1-25 लाख, इसमें इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर दोनों ऑप्शन है, उस हिसाब से 1-25 लाख की रेंज है। रेलिकेयर केयर सीनियर में है 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख एंड 10 लाख। एचडीएफसी अर्गो हेल्थ में 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव केयर में है 3 लाख-25 लाख। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड जो आपके मैक्स पूपा गोल्ड में और मैक्स पूपा सीनियर फर्स्ट प्लैटिनम में दोनों में सेम है 2 इयर्स। स्टार रेड कार्पेट में प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड है 1 ईयर। रेलिगेयर केयर सीनियर में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवरेज का वेटिंग पीरियड है 4 इयर्स। एचडीएफसी अर्गो हेल्थ ऑप्टिमा सीनियर में प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड है 3 ईयर और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव केयर में इट इज 2 इयर्स। रूम की बात करेंगे कि रूम एलिजिबिलिटी क्या है। मैक्स पूपा सीनियर फर्स्ट गोल्ड में आपको शेयर्ड रूम मिलता है, प्लैटिनम में सिंगल रूम मिलता है और स्टार रेड कार्पेट में आपको रूम की एलिजिबिलिटी इज 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000 तक का रूम आप ले सकते हैं। रेलिगेयर केयर सीनियर में 5 लाख से नीचे की पॉलिसी पे 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, 5 लाख के ऊपर की पॉलिसी पे सिंगल रूम अवेलेबल है। एचडीएफसी अर्गो हेल्थ में कोई रूम की लिमिट नहीं है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव केयर में शेयर्ड रूम है और सिंगल रूम है अगर आप प्रीमियर प्लान लेते हैं, तो 2 तरह के प्लान है, प्रीमियर प्लान लेंगे तो आपको सिंगल रूम अवेलेबल है। को पेमेंट की बात करेंगे, बिकॉज ये को पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में जब हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो पूरा का पूरा 100% इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी इन दी केस ऑफ सीनियर सिटीजन प्लान्स, तो वहां पे को पेमेंट और डिडक्टेबल की ऑप्शन काफी देखी जाती है सीनियर सिटीजन प्लान्स में। को पेमेंट के ऑप्शन की बात करेंगे तो मैक्स पूपा सीनियर फर्स्ट गोल्ड में जो को पेमेंट है वो 50% है, इट कैन बी रिड्यूस टू 20%। आप ज्यादा प्रीमियम देके उसको 20% तक भी ला सकते हैं और डिडक्टेबल ऑप्शन भी है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल है कि उस डिडक्टेबल के ऊपर आप अपना सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। तो डिडक्टेबल ऑप्शन बेसिकली होता है कि लेट्स से आपकी कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी चल रही है या आपकी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है जो कम सम इंश्योर्ड की है 1-2 लाख की, तो आप 1-2 लाख का डिडक्टेबल लेके उसके ऊपर ये पॉलिसी चूज कर सकते हैं कि उसके ऊपर क्लेम आएगा तो ये पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी, तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है। दूसरा है प्लैटिनम में भी वही है, 50% है, ऑप्शन टू मॉडिफाई टू 40%, 30% और 20%, आप जितना प्रीमियम एक्स्ट्रा देंगे वो मॉडिफाई कर सकते हैं। डिडक्टेबल ऑप्शन प्लैटिनम प्लान में भी अवेलेबल है। स्टार हेल्थ पे को पेमेंट है, अगर आपका 10 लाख से नीचे की पॉलिसी है तो 50% फॉर पीईडी, मतलब जो आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोज है उसकी वजह से अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन है 1 साल के बाद तो 50% आपको शेयर करना पड़ेगा और बाकी कुछ भी है तो 30%। अगर आपकी 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 30% ऑन ऑल एडमिसिबल क्लेम्स। रेलिगेयर केयर सीरीज में फ्लैट 20% है को पेमेंट। एचडीएफसी अर्गो हेल्थ में अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो 30% आपको शेयर करना पड़ेगा बिल में। अगर आप लोअर कैटेगरी रूम लेते हैं सिंगल से तो 15% शेयर करना पड़ेगा। और हर स्पेसिफिक इलनेसेस जो है, जो आपकी जैसे कैटराक्ट है, हर्निया है, तो इन पे 30% की आपको को पेमेंट लगती है कि 30% आप पे करेंगे, बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी।
आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव केयर में क्लासिक में है 20% को पेमेंट, प्रीमियर में है 10%, स्पेसिफिक इलनेसेस पे 20% को पेमेंट है। जो आपके ग्रोइंग इलनेसेस होते हैं वो आपके कवर नहीं होते हैं डे वन से, उसमें 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड एंड सब प्लान पे है। और ये सब कैपिंग जो मैंने आपको बताई ये भी कैपिंग भी एप्लीकेबल है। अब बात करेंगे सब लिमिट्स ऑन स्पेसिफिक इलनेसेस। जो हम स्पेसिफिक इलनेसेस की बात कर रहे हैं जैसे स्टोन, कैटराक्ट, हर्निया, इनपे सब लिमिट्स होती हैं। कोपेमेंट जैसे हमने बात करी तो कोपेमेंट कह सकते हैं या सब लिमिट कह सकते हैं कि इतना परसेंटेज मिलेगा, तो यहाँ पे कोपेमेंट ऊपर हमने डिस्कस किया। तो सब लिमिट्स की बात करेंगे कि सब लिमिट्स है या नहीं है। मैक्स ऊपर, सीनियर फर्स्ट, गोल्ड और प्लैटिनम दोनों में कोई सब लिमिट्स नहीं है। ऑन मेजर स्पेसिफिक इलनेसेस स्टार रेड कार्पेट में है, रेलिगेयर केयर सीनियर में भी है, HDFC अर्गो हेल्थ में नहीं है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव केयर में नहीं है। नो क्लेम बोनस की बात करेंगे। क्लेम बोनस वो होता है अगर आपने अगर क्लेम नहीं लिया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक बोनस देती है, आपको इंसेंटिव देती है। तो मैक्स वूपा सीनियर फर्स्ट गोल्ड प्लान में कवर्ड नहीं है। मैक्स वूपा प्लैटिनम में 10% है और मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 100%। मान लीजिए 10 लाख की आपने पॉलिसी ली तो आपको 1 लाख रुपए का नो क्लेम बोनस मिलेगा हर साल। वो मैक्सिमम आपकी 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख तक जा सकती है और विदाउट क्लॉबैक। मतलब अगर कल को कोई क्लेम आ भी जाता है तो जितना नो क्लेम बोनस आपको मिला है वो इंटैक्ट रहेगा, माइनस नहीं होगा। स्टार्स की रेड कार्पेट में नहीं अवेलेबल। रेलिगेयर केयर सीनियर में 10% अवेलेबल है, मैक्सिमम 50% तक जा सकता है। जो अभी हमने एग्जांपल लिया 10 लाख की पॉलिसी पे 1 लाख रुपए हर साल, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 15 लाख। एंड इसमें अगर क्लेम आएगा तो जितना प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया है उतना माइनस कर देंगे, जो लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ है वो माइनस हो जाएगा। HDFC अर्गो हेल्थ में नो क्लेम बोनस नहीं है, लेकिन ये डिस्काउंट देते हैं आपको रिन्यूअल पे। अगर आपका कोई क्लेम नहीं है तो 5% नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस पर डिस्काउंट मिलता है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव केयर में भी 10% है नो क्लेम बोनस एंड इट कैन गो अप टू 50% विद रिडक्शन विद क्लॉबैक इन केस ऑफ क्लेम। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करेंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मैक्स पापा के दोनों प्लान में 60 डेज एंड 180 डेज है। मतलब हॉस्पिटल जाने के पहले के 60 डेज और बाद के 180 डेज के एक्सपेंसेज आपको रिइंबर्स हो जाएंगे विद रिगार्ड्स टू द सेम ट्रीटमेंट जिसके लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए थे। स्टार रेड कार्पेट में आपका 30 डेज एंड 60 डेज है। रेलिगेयर केयर सीनियर में भी 30 डेज एंड 60 डेज है। HDFC अर्गो हेल्थ में भी 30 डेज एंड 60 डेज और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव केयर में भी 30 डेज एंड 60 डेज है। सो बात करेंगे रीफिल बेनिफिट, रीएश्योर, रीस्टोर बेनिफिट, रीचार्ज बेनिफिट भी कहते हैं। तो क्या क्या अवेलेबिलिटी है डिफरेंट प्लान्स में। मैक्स कूपा सीनियर फर्स्ट में, गोल्ड में और प्लैटिनम में, गोल्ड में अवेलेबल नहीं है, प्लैटिनम में अवेलेबल है फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स फॉर एनी इलनेस। फिर बात करेंगे स्टार रेड कार्पेट में रीफिल बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। रेलिगेयर केयर सीनियर में रीफिल बेनिफिट अवेलेबल है वंस अ ईयर फॉर अनरिलेटेड इलनेस। HDFC अर्गो हेल्थ में रीफिल बेनिफिट अवेलेबल नहीं है और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव केयर में आपका रीफिल बेनिफिट अवेलेबल है अप टू 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड, 50% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड। अब बात करते हैं कॉस्ट पे कि कॉस्ट में क्या कंपैरिजन है डिफरेंट प्लान्स में, क्या कॉस्ट आ रही है। एग्जांपल लिया है जैसे मैक्स वूपा सीनियर फर्स्ट में 2 ऑप्शंस होते हैं, कोपेमेंट भी होता है और एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल भी होता है। तो दोनों पे मैं आपको बताती हूँ। 5 लाख का सम इंश्योर्ड, 61 टू 65 एज बैंड और 2 एडल्ट्स पे लिया है फैमिली फ्लोटर प्लान। सो प्रीमियम आता है 5 लाख का विद 20% कोपेमेंट, 34,810 इंक्लूडिंग GST। और अगर इसमें हम 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन ले लेते हैं, मतलब फर्स्ट 1 लाख विल बी पेड फ्रॉम योर प्रीवियस पॉलिसी या कॉर्पोरेट पॉलिसी है या आप खुद पे करना चाहें, उसके ऊपर 5 लाख लेना चाहें तो प्रीमियम काफी कम हो जाता है। तो प्रीमियम आपका हो जाता है 19,028 इंस्टेड ऑफ पेइंग 34,000। आप बिल्कुल उसका ऑलमोस्ट हाफ पे कर रहे हैं अगर आप डिडक्टेबल ऑप्शन ले लेते हैं। इसी में प्लैटिनम में अगर हम बात करेंगे 5 लाख का 20% कोपेमेंट के साथ प्रीमियम है 42,213 और 1 लाख डिडक्टेबल के साथ लेंगे तो प्रीमियम है 23,075 रुपीज। अब बात करेंगे स्टार हेल्थ रेड कार्पेट में, वहां पे बेसिकली जो आपका फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है वो स्टार्ट होती है 10 लाख से। और अगर हम 5 लाख पे कंपेयर करना चाह रहे हैं तो 5 लाख पे 2 इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं जिसका प्रीमियम आएगा 21,240 पर पर्सन इन दी एज बैंड ऑफ 61 टू 65। और अगर फैमिली फ्लोटर लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम 10 लाख की पॉलिसी लेनी होगी जिसका प्रीमियम होगा 38,250 रुपीज फैमिली फ्लोटर प्रीमियम 61 टू 65 एज ब्रैकेट में। रेलिगेयर केयर सीनियर में बात करेंगे प्रीमियम आएगा 5 लाख पे 29,095 रुपीज। HDFC अर्गो प्लान में आपका प्रीमियम है 26,612 और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव सीनियर में आपका प्रीमियम आएगा 38,300 रुपीज। ये डिफरेंट प्रीमियम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स पे। ये जो कंपैरिजन मैंने आपके साथ शेयर किया है इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए और आपके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट प्लान है। कुछ भी क्वेश्चंस हो आपको सीनियर सिटीजन प्लान्स के रिगार्डिंग सो प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन या आप हमें नीचे नंबर और ईमेल आईडी दिया है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, इट मोटिवेट्स अस एंड आपके लिए ऐसे और वीडियोस हम लेके आते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा. सुसी, ये दोबारा से कर रही हूं मैं, पुराना वाला नहीं यूज करना. टू मेजर पांच स्टार रेड कार्पेट में आपको रूम की जो एलिजिबिलिटी है